हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। समर कोर्स रो आउ गोटे वीडियो लेक्चर को मु तमानगु वेलकम करूची। तो आज आम वीडियो लेक्चर रे ब्रैकेट उपर टिके डिस्कस करिबा, काहेकि मु बहुत थर देखी टेन्थ पास आउट परे पिला जो प्लस टू साइंस नियंती और इलेवेन ट्वेल्थ जो साइंस से पढ़ती सेठी ब्रैकेट रो यूजटा टिके ठीक से करिपारंतिनी, काहेकि ना पाठटा टिके हायर लेवल को पलै आसे, सेठी ब्रैकेट रो बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि। तो फर्स्ट थिंग आम आज देखा जे ब्रैकेट आम यूज कौटी करवा, तो फर्स्ट आम यूज करवा जो दीटा साइन दीटा प्लस हो कि दीटा माइनस हो कि इंटू पर माइनस हो जदि आसुचंती आम से ब्रैकेट रो यूज करवा। जमीती कि मन लेखा है फाइव प्लस माइनस सेवेन मोर कर तो मुझे देख ये गोटे प्लस आउ माइनस पाखापाखि पलै आसिले तो सेठी गोटे मतलब ब्रैकेट देवाक पड़ो। तापर आम ऑपरेट करवा फाइव प्लस माइनस है मोर माइनस तापर सेवेन तापर जहाँ आंसर तुम लिख। फिजिक्स रे वर्तमान तुम फर्स्ट ईयर रे डेरिवेटिव आउ इंटीग्रेशन किछटा पढ़ो, सेठी मध्ये ब्रैकेट रो इंपोर्टेंट रोल प्ले अछि। तो मुझे गोटे छोटिया इंटीग्रेशन तुमको देखा एमती है, ये है इंटीग्रेशन रो सिंबल आपको आम मैथ रे सेकेंड ईयर पढ़ा आ फिजिक्स फर्स्ट ईयर रे ये बहुत अछि। एठ जदि लिखा है कि एक्स प्लस सेवेन रो इंटीग्रेशन मोर करिवार अछि, जदि मु एठ ब्रैकेट देबिनि तार तो ये मीन करिवो जे एक्स रो ही खाली इंटीग्रेशन मोर करिवार अछि, किंतु मोर टोटल एक्स प्लस सेवेन रो इंटीग्रेशन दरकार। तो मु एई केस रे कोन करिवि ना गोटे ब्रैकेट देबि। तापर एठ डीएक्स लिखा जाए, ए डीएक्स कोन लिखा जाए कोन नै से तुम फिजिक्स क्लास रे पढ़िबो आ प्लस टू सेकेंड ईयर रे भी पढ़िबो। तो एठ मध्ये ब्रैकेट दिया जाए, ब्रैकेट रो अर्थ हला आम जहाँ भी करूचे से समस्तक सहित से ऑपरेट हबो। इन द सेन्स मु एक्स प्लस सेवेन प्लस साइन एक्स जहाँ भी किछ अछि ए टोटलटा रो किछ जदि ऑपरेट और ऑपरेशन मु करूची, ऑपरेशन इन द सेंस माने डेरिवेटिव बाहर करूची कि इंटीग्रेशन करूची, जदि टोटलटा मोर बाहर करिवार अछि ताले मोर ब्रैकेट देबि। तापर एठी डेरिवेटिव हो कि आकु डेरिवेटिव बोली कोहंती पढ़िबो तमे आगुकु कि इंटीग्रेशन हो जहाँ भी मोर करिवार अछि गोटे ब्रैकेट देकि करिबि। एही जिनसटा पिलांकु मु कहिया पे चाहूतली जे ब्रैकेट माने हला होल। ओके, तो आउ किछ जण कोन करंती मनकर लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स लिखा है, आपको जब आम उत्पादीकरण करवा फैक्टराइज करवा तो आमर आसे ये कैसे एक्स प्लस थ्री इंटु एक्स प्लस टू पिला ये ब्रेकेट दिखती गोटे पॉइंट दे दिखती पॉइंट दे तार मान चेज हो पे थ्री इंटु एक्स बोली जड़े भाभी पार। तो यही केस रे आम कौन करवा ना गोटे ब्रेकेट देदे मानने होल इंटु एक्स प्लस थ्रीटा होल मल्टीप्लाई हेबो क्या सह एक्स प्लस टू सह। तो वर्तमान आम ब्रैकेट कौटी केमती यूज करवा आ मु बहुत सारा एग्जांपल आउ दौनी तुम्हें यूठू जाणिनियो जे ब्रैकेट को आम कौटी यूज करूँ ना ब्रैकेट को आम होल हिसाब से यूज करूँ। समग्र जिनस को जदि आम गोटे थर लिखापी चाहिबा ताहले आम ब्रैकेट रो यूज करूँ। आउ गोटे जिनस मु कहिबी नंबर थ्री जे ब्रैकेट जदि वन्स आम स्टार्ट कले तो क्लोज मध्य करवा मनकर लिखा है एक्स इंटु एक्स प्लस थ्री तापर मत कहला थ्री सहित आम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई करवा। तो मुझे नुआ ब्रैकेटा स्टार्ट करी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखिकी जो ब्रैकेट मुझे स्टार्ट करी ये क्लोज करी तापर यो ब्रैकेटा मोर स्टार्ट होता सी ये क्लोज हे यहीटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा ब्रैकेट वन्स स्टार्ट होगा क्लोज करवा भी आम शिखि दरकार। तो जीवा नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट आम देखा पीले इक्वल एंड इम्प्लिकेशन। इक्वल कौटी देवा माने इक्वल टू चिन्ह समान चिन्ह कौटी देवा आउ इम्प्लिकेशन चिन्ह कौटी देवा। जदि मुझे लिखुची एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सेवेन हला ता अर्थ कौन एक्स प्लस वाई रो वैल्यू सेवेन सह इक्वल यही जगह मुझे इक्वल टू चिन्ह देवी। जदि आम तौक तौ लिखा मनकर लिखा है फाइव प्लस थ्री प्लस एक्स तुम गोटे जगह पाइल ते जब लिखु इक्वल टू दूच ता अर्थ यो स्टेटमेंट अच्छी पढ़ा आम वीडियो रे ही डिस्कस करवा स्टेटमेंट मान कौन। तो ये मुझे देख ली फाइव प्लस थ्री मोर एट हम तो मुझे एट लिखिली तापर एक्स लिखिली प्लस एक्स लिखिली ता मान कौन टोटल जिनसटा को मु नेक्स्ट स्टेप रे लिखिली जे ये जहाँ ये ताहा कही। तो यही सब जगह आम इक्वल टू चिन्हटा यूज हुए ठीक सेमती इम्प्लिकेशन कौटी यूज हुए मनकर गोटे समीकरण मान गोटे इक्वेशन लिखा है एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव। तो मु स्टेटमेंट को स्टेटमेंट कौन आम जस्ट ए इम्प्लिकेशन
पढ़ला परे डिस्कस करिबा एई लाइन को जदि भी तुम भाबि परिबो एई स्टेटमेंट और एई लाइन और एई स्टेप को मु नेक्स्ट मॉडिफाई करिबा पे चाहूची कि याठो किछि यार नेक्स्ट स्टेप लिखिया पे चाहूची सेठी मोर इम्प्लाइज लागिवो बिले तार तो कोन हबो ना x 3 टा सेपरेट पड़ेला 5 माइनस 3 दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 के 2 ता गोटे बॉक्स कर दो आमे जानिबा पे तो एई केस रे हमर को ना इम्प्लाइज दिया जाए और इम्प्लिकेशन सिंबल टा दिया जाए पिला कोन करिवे ना x प्लस 3 रो होल स्क्वायर इम्प्लाइज देगी लिखी देवे x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3 ये हला रॉन्ग जिनस ये जो इम्प्लाइज दिया है ये टोटली रॉन्ग एठी इम्प्लाइज दिया जाए नहीं तो मैं कौन करूँ चाहे x प्लस 3 रो होल स्क्वायर केते ताकू लिखूँ चाहे एठी माने x प्लस 3 होल स्क्वायर रा मीनिंग टा लिखूँ चाहे माने एठी इम्प्लाइज दिया जीबो नहीं एठी इक्वल टू सिंबल टा और इक्वल टू चिन्ह टा दिया जीबो केते बले इम्प्लाइज दी था तो जदि से कही था x प्लस 3 रो होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ताहले तो मैं इम्प्लाइज देखि लिखि था तो हां x प्लस 3 मध्य 0 होबो दैट इम्प्लाइज x टा बाध्य रे माइनस 3 होबो इक्वल टू टा कोठी दिया गला जोठी समान बोलि कि कहला x इक्वल्स टू माइनस 3 माने x रो वैल्यू माइनस 3 सह समान बोलि जोठी कुआ गला ताकू कुआ गला इक्वल टू चिन्ह और समान चिन्ह बोलि कि तो वर्तमान तुम सब जानि पारथिबो कोठी इम्प्लाइज देबो आ कोठी इक्वल टू देबो जो माने जिंसडा जानि पारु न किछ डाउट्स अछि प्लीज कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो तो नेक्स्ट जेबा हम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट पिले हमें प्लस 2 फर्स्ट ईयर और 11th स्टैंडर्ड रे पूरा डिटेल पढिबा तापर भी टॉपिक अछि हमें भी YouTube रे को डिस्कस करिबा फ्यूचर रे किंतु वर्तमान पै स्टेटमेंट माने मु कहू छी मैथमेटिकल स्टेटमेंट माने हला कोनोसी गोटे सेंटेंस जोटा कि आइदर ट्रू होथबो किंबा फॉल्स होथबो हला ट्रू और फॉल्स माने कोन मु लिखली 5 प्लस 3 इक्वल्स टू केते 8 किंतु मु लिखि देली 9 तो एटा कोन फॉल्स तो ए स्टेटमेंट जो कोट स्टेटमेंट बले एति कि ही मोर स्टेटमेंट 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 आकु ही स्टेटमेंट बोली कोहा जाए से फॉल्स हो कि ट्रू हो तुम कहबो सर 5 प्लस 3 तो 8 नो डाउट 8 किंतु आमे मु लिखि जे 9 लिखि छी तो ए स्टेटमेंट ता फॉल्स अछि माने भूल अछि स्टेटमेंट टा ट्रू हे पारे किबा फॉल्स हे पारे ओके तो मु स्टेटमेंट उपरे बाकी सब लेक्चर आमे नेक्स्ट जो फ्यूचर रे आसीबो वीडियो तादिरे डिस्कस करिबा तो एई जो जिंसडा हम कोइ लागू कह जे स्टेटमेंट जो थोड़ी इक्वल सिंबल थिबो कि लेस देन थिबो कि ग्रेटर देन थिबो तो ए स्टेटमेंट को धरि कि हमर इक्वेशंस अछि आ ए स्टेटमेंट को धरि कि आइडेंटिटी अछि ए स्टेटमेंट भितरे पुनी हमर इनइक्वालिटी अछि तो आमे देखिबा जे इक्वेशन माने कौन? इक्वेशन माने हला गोटे अननोन वेरिएबल प्रेजेंट थिबो गोटे स्टेटमेंट रे जेमते कि मु लिखि देली जस्ट एबे डिस्कस करथुली x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 गोटे अननोन वेरिएबल अज्ञात राशि x अछि स्टेटमेंट रे तो आमे इना ए स्टेटमेंट को ट्रू कहि परिवानी कि फॉल्स भी कहि परिवानी काहे कि तमे x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 को ट्रू भी कहि परिवानी काहे कि जदि मु कहबी x रो वैल्यू हला 7 ताले एटा फॉल्स हे जइबो कि मु आकु फॉल्स भी कहि परिबिनी काहे कि जदि x रो वैल्यू 2 आसीबो 17 जदि 2 अछि ताली ये ट्रू हबो फॉल्स त हबो नि तो एई टाइप रो स्टेटमेंट को आमे बाकी दीटा जिंस रे विभक्त करि दो गोटे हला हमर इक्वेशन जहा को कि आमे समीकरण बोलि कि पढिथिले तो इक्वेशन माने कोन इक्वेशन रो डेफिनेशन संज्ञाटा मु लिखि दउछि तो डेफिनेशन कोन कहउछि ना इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ x x माने कोन गोटे वेरिएबल ताहले ताकु हम इक्वेशन कहिबा गोटे स्टेटमेंट मु लिखिबी मन कर मु लिखिली x प्लस 3 रो होल स्क्वायर इक्वल्स टू केते ना x स्क्वायर प्लस 2 इनटू x इनटू 3 माने 6x प्लस 3 रो स्क्वायर 9 तो एठी देखो तमे x रो जे कोनोसी वैल्यू पकेबो एनी वैल्यू x जगह रे तमे 0 पकाओ lhs इक्वल्स टू आरएचएस आसीबो तार अर्थ इटा ट्रू होला x इक्वल्स टू माइनस 10 पुट करो इसे मध्य एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आसीबो से मध्य ट्रू होबो तो एमितिया जदी होउची ये गोटे केस होला आ गोटे केस कोन ना मु लिखली x प्लस 2 इक्वल्स टू 7 तार अर्थ तमे x जगह रे केवल 5 पुट करले ही x जगह रे 5 पकेले ही तमे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस पाइबो नचेत पाइबो नाही एक्स जगह आउ किछि पुट करले होबो नि जदि मु लिखली x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 तार अर्थ तमे एठी
एक्स रैल्यू के पाओ बिले माइनस टू और माइनस थ्री माने एठी तुम्हें एक्स जगार केवल दुईटा वैल्यू एक्स माने कौन जेकोसी वास्तव संख्या रियल नंबर हो पाए किंतु केवल एक्स जगार दुईटा वैल्यू माइनस टू और माइनस थ्री जदि मुझ पुट करी तेल एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मान एल एच एस रैल्यू आर एच एस के जीरो हो तो आपको कहते इक्वेशन किंतु यही जो केसटा अच्छी केस्रे कौन है एक्स जगार जहाँ पुट कले भी मोर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आसो तुम यहाँ घरे भी निजे चेक कर पार तो आपको कह जाए पे आईडेटिटी जहाँ को तुम अभेद बोली कह है समस्त क्या इक्वेशन ये गोटे इक्वेशन हला आम इक्वेशन को ई क्यू ता ऊपर गोटे एन लिखिदेव तो ये है गोटे इक्वेशन तो आम ये कौन डिस्कस कले इक्वेशन कौन आउ आइडेंटिटी कौन आइडेंटिटी माने कौन ना एक्स जगार एक्स बोल कि नुह जेकोसी अज्ञात राशि अच्छी जेकोसी अननोन वेरिएबल अच्छी से जगह तुम जेकोसी वास्तव संख्या जदि तुम पुट करुच रखुच ताहले तुम्हें जब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मैंने स्टेटमेंटा ट्रु हो जाऊँगी आइडेंटिटी बोली कह जाए अभेद बोली कह जाए आउ एमितिया किसी स्टेटमेंट जमीती कि यहीटा होगा जोटा को आम समीकरण बोली कहे से कौन हम एक्स जगार किटा वैल्यू दुईटा वैल्यू चारिटा वैल्यू पांचटा वैल्यू एम कि वैल्यू पकेले मैंने एक्स जगार जहाँ पकेले भी से एल एच एस आर एच एस इक्वाल हेनी कहुए इक्वेशन एक्स जगार किटा वैल्यू पुट कले ही एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हेक क्या इक्वेशन ओके तो मुझे आइडेंटिटी किसी लिखिली डेफिनेशन खाली इतनी जे एक्स रब वैल्यू पर ट्रु हो तो नेक्स्ट देखा इनइक्वेशन और इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज कौन ना एक्स लेस देन थ्री देला तार अर्थ एक्स रैल्यू कौन हम तीन रु कम हम तार अर्थ एक्सटा के टू हो पारे वन हो पारे जीरो हो पारे माइनस वन हो पारे माइनस टू हो पारे अप टू माइनस इनफिनिट किसी भी हो पारे जहाँ भी जदि मुझे पुट करी तो एक्स वैल्यू और माने एक्स जगार तो से तीन रु कम ही आस रैल्यू कौन है से माइनस इनफिनिटी नंबर लाइन जदि आम संख्या रेखा या तो से रहा थ्री थ्री रछक जहाँ सब अच्छे एगुड़ा सब है एक्स वैल्यू हो पार तो ये गोटे आइडेंटिटी हो पार ना कहीं एक्स जगार जहाँ पुट कले भी ये ट्रु हम ना मुझे कह भाई एक्स जगार टेन पुट करदे हम कि टेन इज ग्रेटर देन थ्री नॉट लेस देन थ्री तो आपको कह जाए इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी आपको आम गोटे टॉपिक अच्छी आम फर्स्ट ईयर इलेवेन्थ डिस्कस करवा तो एतिकि तो थिला आजर टॉपिक जदि भिडियोटी भल लगे प्लीज भिडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो आउ साइड रे जो नोटिफिकेशन बेल अच्छे ताकू प्रेस कर दियो जमीती कि नेक्स्ट तुम जो प्लस टू फर्स्ट ईयर किंवा इलेवेन्थ स्टार्ट हम तुम जो भिडियो गुड़ा आम यूट्यूब चैनल अच्छी आराम से देखिपार तुम जहाँ सब टॉपिक अच्छी सब टॉपिक आम धीरे धीरे कवर करुचे विथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट्र भी टॉपिक ये क्लियर कवर कराऊ जहाँ भी किसी डाउट अच्छे प्लीज अगेन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर नुआ किसी जानापी चाहूँ देखापे चाहो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर अच्छे से जाए तुम कंटाक्ट कर टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी चैनल को जॉइन कर तो नेक्स्ट वीडियो आसवा जाए टिल देन पढ़ापढ़ी करो एंजॉय करो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग लर्निंग सीएमसी बाय बाय।